एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लंबे बालों की कटिंग। इससे पहले मैंने लॉन्ग टू शॉर्ट और वेरी लॉन्ग हेयर को मीडियम लेंथ में हेयर कट करके बताया था, एडवांस लेयर हेयर कट बताया था। सेल्फ हेयर कट की भी बहुत सारी वीडियोज है, आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि मैम सेल्फ हेयर कट बताओ, तो बहुत सारी सेल्फ हेयर कट की वीडियो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी, तो आप देख लीजिएगा और आगे भी मैं अपलोड करते ही रहूँगी। तो और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरे को नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने में बनाऊँ तो आप लोग को उसके बारे में डिटेल में बता पाऊँ। और हाँ, एक और क्रीम जो मैंने पहले बताया थी सोफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में, जिसके ऊपर मतलब कमेंट आ रहा था कि मैम ये मतलब आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया था और ये क्रीम यूज मत करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, वो मेरे स्किन पे उसी क्रीम से ठीक हुई है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आजमाया हुआ चीज़ है इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से बता, मतलब पूरा डिटेल में बता दूँ एक एक चीज़ उसकी। मैंने क्रीम यूज़ किया, मुझे इफेक्टिव लगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट किया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को भी वैसी प्रॉब्लम है, आपको पैचेस पड़ गए हैं, सनटेन आ गए हैं स्किन पे, तो आप पिगमेंटेशन है तो आप उसको यूज कर सकते हो। आपके स्किन पे हल्के फुल्के पिंपल्स हैं तो आप उस क्रीम को यूज कर सकते हो। सोफ्रामाइसिन क्रीम है, 100% इफेक्टिव है। मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा जब बेबी हुआ था तो मेरी स्किन में जैसे हल्का फुल्का छाई का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने मुझे सोफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में ही बताया था। और मैंने जैसे पहले बहुत सारी क्रीम चली हुई थी, स्किन लाइट, मेलाज या फिर नो स्कार्स वगैरह, तो मैंने भी नो स्कार्स क्रीम यूज किया था, जिसका बहुत ही गंदा साइड इफेक्ट मेरे चेहरे पे पड़ा था। मेरी आईज और ये चीज़ पूरा ब्लैक हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा दोबारा से स्किन टोन मिलेगा, तो मैंने सोफ्रामाइसिन क्रीम यूज किया, जिसकी मदद से मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और मेरी स्किन फिर से नॉर्मल हो गई है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको वो क्रीम यूज ही करनी है, आप चाहो तो यूज करो, नहीं चाहो तो मत यूज करो, आपकी मर्जी है। मुझे इफेक्टिव लगा, मेरे को बहुत ज़्यादा सूट किया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हम लोग का यही काम है, जो हमको अच्छा लगता है 100% इफेक्टिव लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत हो ऐसी भविष्य में, या फिर पहले आप लोगों को रह चुका हो, आपको कोई सही चीज़ नहीं मिल रही है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है मुझे आप लोगों को बताने का, जो मुझे चीज़ सूट करती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का जो हेयर कट है लॉन्ग हेयर कट कैसे करें, फ्रंट बैंक हेयर कट भी है, तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसपे मैं अपनी ब्लॉगिंग वीडियो डालती हूँ। अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी। और मेरा इंस्टा आईडी, बहुत लोग पूछते हैं कि मैम आपकी इंस्टा आईडी क्या है, तो मेरी इंस्टा आईडी है PreetTiwari24, प्रीत तिवारी, नॉट प्रीति। आप लोग प्रीति लगाते हो इसलिए नहीं खुलता है, PREET, प्रीत, ओनली प्रीत, प्रीत तिवारी 24। तो आप लोग को मेरा इंस्टा आईडी आराम से मिल जाएगा, और मेरी इंस्टा आईडी एक ही है, ईजिली आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते, ज़्यादा बातें हो गई है। तो गाइज, ये देखिए इनके बालों की लेंथ, मैं इनके बालों को कट करने वाली हूँ, किस तरीके से कट करने वाली हूँ वो आप ज़रूर देखिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। और बैंग्स कट भी करने वाली हूँ, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही अच्छा कट आ गया था, और किस तरीके से आप स्ट्रेट कट करते हो तो बालों में वॉल्यूम दिखा सकते हो नीचे से, वो भी मैं बताने वाली हूँ, तो देखते रहिएगा। ओके, इस तरीके से पहले बालों को शावर से गीला करो, और अच्छे से गीला करने के बाद से अच्छे से सुलझा लीजिए। जब आपको लगे कि आपके बाल अच्छे से सुलझ चुके हैं तब इनकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इनके बालों को सुलझा दिया है, अभी मैं कटिंग सीट लगा रही हूँ। ओके, कटिंग सीट लगाने के बाद से फिर से आपको बालों को कॉम कर लेना है, तो अच्छे से कटिंग सीट सेट कर देती हूँ। तो अच्छे से कॉम कर रही हूँ मैं इनके बालों को, और ये शाम को आई थी इसलिए ऐसे दिख रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है, अभी क्वालिटी अच्छी हो गई काफ़ी हद तक मेरे कैमरे की। तो इस तरीके से मैंने इनके बालों को कॉम किया है, इनके बालों में ज़्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं था, सब हेल्दी हेल्दी था। तो कट करेंगे अभी, 3-4 इंच तक लेंथ इनका निकाल देंगे, ताकि वॉल्यूम अच्छे से आ जाए बालों में। ओके, तो यहाँ से मैं कट कर दे रही हूँ।
जो आपने कट किया उसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे हेयर को कट कर देंगे। ध्यान से, बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। जैसे पूरा स्ट्रेट कट करने के बाद से एक बार आप रीचेक कर लो। रीचेक करने के लिए आपको कॉम से इस तरीके से बालों को लेके आओगे तो पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे लेके आओ और नीचे ये देखिए पूरा स्ट्रेट है तो छोड़ दो। यहाँ पे भी पूरा स्ट्रेट है, छोड़ दो। पूरा अच्छे से चेक कर लो, जहाँ पे एक्स्ट्रा लगे वहाँ थोड़ा सा कट कर दो। उसके बाद से आपको क्या करना है, जैसे ये तो फुल स्ट्रेट हेयर कट गए, लेकिन स्ट्रेट हेयर कट हो चुके हैं, लेकिन स्ट्रेट कट में आपको वॉल्यूम दिखाना है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बालों को लेना है, जैसे आपका जो क्राउन एरिया होता है ना वहाँ से हेयर को उठाना है। ओके, क्राउन एरिया के पास से हेयर को लेंगे, इस तरीके से नीचे वाले हेयर्स को कॉम कर लेंगे और ऊपर वाले हेयर को भी कॉम करके ऐसे ले आएंगे। और हाफ इंच से भी कम थोड़ा सा हेयर कट कर देना है लेंथ में। इससे क्या होगा कि वॉल्यूम अच्छी दिखेगी नीचे से। ओके, अगर आपके बहुत ही पतले बाल हैं नीचे से तो आप इस तरीके से हाफ इंच कट कर दो तो आपके बालों में वॉल्यूम बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो अभी ये देखिए कट हो गया। अभी आपको गीले बालों में ही वॉल्यूम दिख रहा होगा। अभी थोड़ा थोड़ा और नीचे से कट करेंगे ताकि आपस में ये मिक्स हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा लगे। जैसे नीचे वाला लेंथ थोड़ा सा अगर ज़्यादा लग रहा है तो हल्का हल्का आप कट दोगे, बराबर नहीं करना। ऊपर वाला हेयर आपका वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा छोटा, उससे आपके बालों में वॉल्यूम दिखेगा। ये देखिए बाल भी स्ट्रेट हो गए और वॉल्यूम भी आ गया। अभी ये सूखेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा, लुक आएगा उनका। तो इस तरीके से आप भी कट कर सकते हो। अगर किसी का स्ट्रेट हेयर कट करो और नीचे से बहुत पतले रहते हैं उनके हेयर, तो आप इस तरीके से उनको कट दो, उनके बालों में वॉल्यूम देखा। तो फ्रंट से बैंग्स कट करने वाली हूँ, तो ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लूँगी बालों को। उनको मतलब ज़्यादा शॉर्ट बैंग्स नहीं चाहिए था, मतलब मीडियम में चाहिए। तो कैसे कट करनी है वो देख लीजिए। तो इधर से मैंने ईयर टू ईयर पार्टिंग ले ली है। दोनों साइड से मैंने बोला कि जितना आपने कट किया है उतना ही कट करना है। देन बोला नहीं, मैंने खुद से कट किया था तो वो गलत हो गया, आप अपने हिसाब से कट कर दो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा हेयर ले लिया और फ्रंट से इस तरीके से स्ट्रेट कॉम करना है। और इनके लिप्स तक मैं कट करूँगी क्योंकि इनको ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए था बैंग, तो लिप्स के पास से इनका हेयर कट कर दूँगी मैं। और बहुत ही अच्छा बैंग्स आता है इस तरीके से अगर आप कट करते हो तो। और मैंने सेल्फ का भी बताया हुआ है तो वो भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है साइड से। अगर आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं, अगर आप बीच की मांग रखते हो तो आप इस तरीके से कट करा सकते हो, अच्छा लगेगा आपके ऊपर। तो आई होप आप लोगों को ये वाली हेयर कटिंग अच्छी लगी होगी और सोफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो जरूर आप यूज कीजिएगा, ओनली 37 रुपीज में मिल जाता है आपको। आपकी स्किन का डार्कनेस और पिगमेंटेशन